अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया, टू व्हीलर खरीद लिया, फोर व्हीलर खरीद लिया, थ्री व्हीलर खरीद लिया, और चार्जिंग के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो चार्जिंग स्टेशंस को का नेटवर्क बनाने में दिल्ली सरकार ने इम्पोर्टेंस दी है। अभी दिल्ली में 2900 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 250 स्वैपिंग स्टेशंस हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। और ये जितने हैं इनको पब्लिक प्लेसेस में लगाया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो। आज हमें बेहद खुशी है कि एक साथ 11 ईवी चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन किया जा रहा है। इन 11 ईवी चार्जिंग स्टेशंस में 73 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 12 स्वैपिंग स्टेशंस हैं। अगर आपकी गाड़ी में बैटरी स्वैपिंग, जो कि आप पीछे देख रहे हैं कि जिसमें बैटरी ही आप हटा के नहीं डाल सकते हो, तो वो केवल 2 मिनट का काम है। बैटरी निकालना और करना यहाँ पे जो मौजूद कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो ये स्टेशन चला रहे हैं, उनके लोग आपको करेंगे। जैसे आप पेट्रोल स्टेशन पे जाते हो तो कोई आपकी मदद करता है, वैसे ही यहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी। 11 चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं, ये एक बहुत बड़ा, इसके बारे में टेंडर फ्लोट किया गया था, उसका एक हिस्सा है, जिसके तहत 100 ईवी स्टेशंस पूरी दिल्ली में बनेंगे, जिसमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 103 स्वैपिंग स्टेशंस होंगे। ये अगले 2 महीने में सारे बन के तैयार हो जाएंगे। पूरे मॉडल की खासियत ये भी है कि इसमें स्वैपिंग स्टेशन को और चार्जिंग स्टेशन को, दोनों को साथ साथ रखा है। अभी तक क्या होता था, स्वैपिंग स्टेशन अलग होता था और चार्जिंग स्टेशन अलग होता था। जितना तेजी से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्जन हो रहा है, इतनी तेजी से किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में नहीं देखा गया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है, जो इम्पोर्टेंस हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशंस को दी है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली को देश की नहीं दुनिया की ईवी कैपिटल कहा जाएगा।